हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं वो है डीएलएफ का। और डीएलएफ का शेयर देखिए क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसका रीजन है इसका टेक्निकल चार्ट। और टेक्निकल चार्ट पे जो चीज दिख रहा है वहां से लगता है कि डीएलएफ में और भी आने वाले समय में जो है एक अच्छा खासा अप मूव आ सकता है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के पहले मैं चाहूंगा जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि उनको इन्फॉर्मेशन जो है टाइम पे मार्केट आवर में मिल जाए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट को। तो टेक्निकल चार्ट में जो अभी प्राइस चल रहा है दोस्तों वो है 390 का। मैं मार्केट आवर 1:14 पे इस शेयर पे डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ। अब देखा जाए तो चार्ट देखिए, पहले एक यहाँ पे रिसेंट देखा जाए 29 जुलाई को एक हाई बनाया था 359 का, और ये लेवल जो था आपका ब्रेकआउट का लेवल था। और इस लेवल को जब इसने क्रॉस किया तब आपको एक पोजीशन बनाना चाहिए था। मैं देखिए इतने सारे वीडियो मैं बना नहीं पाता हूँ, मैं 3-4 वीडियो बना पाता हूँ इसलिए कवर नहीं कर पाता हूँ। अदरवाइज मुझे कवर करना होता तो इसको मैं कल के डेट में जरूर कवर किया होता। बट अभी भी ये शेयर जो है यहाँ से और अच्छा उपमूव दे सकता है, क्यों इसका रीजन भी मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले टेक्निकल पे ही हम जो कंसंट्रेट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये हाई था इसको ब्रेक किया है। तो अभी क्या होगा कि देखिए ये जो हाई होगा इसका कुछ मतलब है, ये मतलब ये है कि ये जो हाई है 360 का ये आपका एक्ट करेगा एज अ आपका सपोर्ट। और यदि रिसेंट या तुरंत का सपोर्ट देखा जाए तो आपका सपोर्ट जो है 370 के आसपास आके बैठेगा, और यहाँ से एक पोजीशन बनाया जाए और स्टॉप लॉस जो है 300 या 360 का रखा जाए। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा प्राइस मिल सकता है, और वो प्राइस क्या मिल सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके लिए पुराने चार्ट को हम लोग को देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखें 12 अक्टूबर को, तो 12 अक्टूबर को 154 रुपये के आसपास ये दोस्तों चल रहा था, और फिर जो है उसने यहाँ देखा जाए तो 12 अक्टूबर को एक हाई भी लगाया था 154 से 72 का, नहीं 20 रुपये का, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और इसने जो है फिर लो दिखाया, फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो फिर इसने हाई जो लगाया था 174 से या 75 से 200 का, यानी 25 रुपये का जंप लगाया, और यहाँ पे देखिए 20 रुपये का डाइव भी लगाया, मतलब नीचे की तरफ आया। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ये इसने जो है आप देखे 24 नवंबर से इसने एक तरफा रैली दी 24 नवंबर से लेकर आपका 15 दिसंबर तक, यानी 20 दिनों में इस शेयर ने जो है 180 से आपके 240 रुपये यानी 60 रुपये का अपमूव एक महीने के अंदर दिया। और इसने जो डिप लगाया वहाँ पे एक सपोर्ट बनाया 210 रुपये का, और ये 210 रुपये का फिर इसके बाद से इसने फिर से एक तरफा रैली दी, और जो कि रैली थी 300 रुपये का, और ये 300 रुपये का जोन था यहाँ पर देखिए। फिर 300 रुपये से इसने एक डिप लगाया था और यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो ये सपोर्ट हम एक मार कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे जिसने जो एक रेजिस्टेंस था और यहाँ देखिए यहीं पे सपोर्ट ले रहा था, इसको तोड़ने के बाद ऊपर निकला था, और यहाँ देखिए यही लेवल जो था फिर एक्ट किया था इसके आसपास जो है। बात कर ले तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद इसके लगातार नीचे डाउन ट्रेंड दिखा था 233 रुपये को दोस्तों, उसके बाद फिर जो है अपमूव दिखा था 11 जून तक। फिर आप देखिए 30 जून को इसने नीचे की तरफ लेवल दिखाए थे, और फिर बात करें आपका 3 अगस्त को इसने हाई लगाया था 359.60 रुपये के आसपास का, और वहाँ से डिग्रेड हुआ 360 से 300 रुपये यानी 60 रुपये का नीचे का भाव देखने को मिला था, और फिर वहाँ से लगभग 50 रुपये का अपमूव करके आपको 25 रुपये का, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अभी देखिए आपका यहाँ पर जो ट्रेंड अब बन रहा है ये देखिए आपका हाई यहाँ पे टॉप और हायर बॉटम, यहाँ से बॉटम जो है अब धीरे धीरे हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो अब जो इसमें मूव आएगा यहाँ से जो अब नीचे की तरफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आ सकता है दोस्तों ये वाला जो लेवल होगा आपको यहाँ पे मिलता है, तो एक्युमुलेशन किया जा सकता है। और ये लेवल जो होगा 347 का आपका लॉन्ग टर्म के लिए 347 का जो है आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये चार्ट का एनालिसिस से निकल के आ रहा है, और ये देखिए ये लेवल जो हाई लगाया था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस किया था, यहीं पे इसने एक सपोर्ट बनाया है, और ये लेवल जो देखा जाए दोस्तों तो ये लेवल जो है यहीं पे आसपास इसने सपोर्ट बना लिया है। तो ये जो सपोर्ट मिला था वो लेवल था, ये लेवल इसने जहाँ पे 2 बार 3 बार जो है इसने जो है इस पर रेजिस्टेंस लिया था। तो अब ये सपोर्ट आ जाए मतलब आपका मेजर सपोर्ट रोल करेगा, और उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पे होगा, और इन बिटवीन इसके बीच में आपको एक्युमुलेशन करना है। जब भी शेयर नीचे आता है 360 और 300
23 के आसपास में है, तो इस बीच में आप एक्यूमुलेशन करते हैं तो फिर आपको, और वहां पे फिर आप स्टॉप लॉस ये वाला 300 का रखेंगे, तो यहाँ से तीन अच्छा खासा प्राइस मिल जाएगा। क्योंकि मैं देखिए हायर टॉप हायर बॉटम बनाया था, फिर इसको ब्रेक किया था, लेकिन अब जो फिर बना रहा है वो हायर टॉप हायर बॉटम का कैंडिडेट बन चुका। देखिए यहाँ आ रहा है, फिर देखिए ये जो बॉटम बना है थोड़ा हाई बना है, ये जो बॉटम बना है थोड़ा हाई बना है, तो फिर इसका जो बॉटम बनेगा वो कितना हाई बन रहा है। देखिए यहाँ पे अब बात करें 303 का, तो यहाँ पे बना 320 रुपये का, तो लगभग जो है 10% का, तो यहाँ से भी 10% के अप मूव के साथ ऊपर के हाई बनेंगे, ये मेरा मानना है टेक्निकल चार्ट पे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा, हम लोग टिकट टैप पे देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या इसके पोजिशंस हैं, क्या इसमें वैल्यू है, तो वो वैल्यूएशन पैरामीटर्स को भी हम लोग चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखें कि एंट्री पॉइंट के लिए गुड बता रहा है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, बट इसका जो करंट वैल्यू है वो इंट्रिंसिक, क्योंकि इसमें बहुत ही रनअप आया है, तो इंट्रिंसिक करंट वैल्यू जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, और एफडी से कम रिटर्न का डिविडेंड ये कम देती है, डिविडेंड देती है बट कम देती है। यदि फॉरकास्ट की बात की जाए दोस्तों, तो वहाँ पर देखा जाए तो कितने एनालिस्ट, यहाँ देखिए 16 एनालिस्ट में से 69% एनालिस्ट जो है इसको बाई की रेटिंग दे रहे हैं। और बात कर ले इसको 2022 तक इसको एक्यूमुलेट किया जाए, तो इसमें जो टारगेट दिखा रहा है वो 398 का टारगेट दे रहे हैं, और डाउन साइड जो है 45 का, यहाँ से 50% का डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है एज पर ये टिकट टैप पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब बात कर ले इनका जो रिवेन्यू ग्रोथ होना है, रिवेन्यू फोरकास्ट देखा जाए तो वहाँ पर देखा जाए तो रिवेन्यू ग्रोथ जो है 9.06 रहने वाला है नेक्स्ट ईयर की, मोर देन इसका जो 3 साल का CAGR था वो था -31.23%। तो आने वाले समय में देखिए अभी जो है डिमांड जो है बहुत सालों से, आप मैं तो देख रहा हूँ लगभग 10-12 सालों से जो है ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही पीछे रही है रिटर्न देने में, और एक समय पे इसने इतना रिटर्न दिया था कि आप उस समय किसी भी आप कंस्ट्रक्शन वाले शेयर पे रख देते हाथ, तो आपके शेयर जो है रातों रात दुगने चौगने हो रहे थे। तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अब फैक्टर इन हो गया है, 10 सालों का एक तो एक स्लगिश इसमें बना हुआ था एनवायरनमेंट, अब लगता है जैसा अब आने वाले सिनारियों में आने वाले समय में इसमें अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। और देखा जाए इनका रिवेन्यू ग्रोथ जो होना है फॉरकास्ट देखा जाए 34.88% का है, और जो ये 3 साल का इनका जो CAGR रहा है दोस्तों वो है 43.90 का, तो वहाँ से 34 का इनको इनका जो है पर शेयर फॉरकास्ट है, अर्निंग पर शेयर, तो EPS भी अच्छा खासा इसमें जंप करेगा, तो इसलिए ये शेयर चल रहा है। अब बात कर ले फिनेंशियल्स का, तो यहाँ देखिए इनका जो हाया जो नेट इनकम है वो इंडस्ट्री से अच्छा है, 29% है वर्सेस इंडस्ट्री का कितना है -7.81%, और वहीं पर इन्होंने मार्केट शेयर डिक्रीज किया है, अभी 19 से 13 पे आ गया है, लोअर देन इंडस्ट्री रिवेन्यू ग्रोथ, रिवेन्यू ग्रोथ जो था 10.92 था वर्सेस इंडस्ट्री 3.64%। अब बात कर ले इनका टोटल रिवेन्यू का, तो टोटल रिवेन्यू देखिए अब काफ़ी कुछ नीचे आ चुका है, अभी जो FY21 की बात करें तो वहाँ पे 5,944 लगभग 6,000 करोड़ का इनका रिवेन्यू रहा है, और EPS जो है अभी पड़े हुए 4.42 का परसेंट 4 रुपीज का है। बाहर ले बात कर ले पीएस कंपटीटर की, तो यहाँ पे देखें दोस्तों तो यहाँ पे DLF जो है आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी -8.6% है, और यहाँ पे मैक्रोटेक जो है डेवलपर जो है मैक्रोटेक जो है 1,175 के पी रेशियो पे है, एम्बेसी ऑफिस पैक वहाँ पे 46 है, तो और PB जो है 1.20 है, इनका PB जो है 2.50 है, तो डिविडेंड जो है एम्बेसी ऑफिस पैक आरईडी का 6.29% है, इनका 0.54% है, तो ये शेयर भी मैं एक बार देखूंगा कि इसमें क्या है, तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर DLF जो है तो इसको देख लेते हैं कंपेयर करके कि इसमें क्या पोजीशन रखता है, तो और या मैं इसके बारे में अलग से बना दूंगा वीडियो। ये अब बात कर लें होल्डिंग का, तो होल्डिंग देख लेते हैं कितनी होल्डिंग्स है, तो यहाँ पर देखिए कोई प्लेज नहीं है, और यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, लगभग 75%
0.05% ही कम है, तो 75% जहाँ प्रमोटर है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग हाथ में है और इस पे प्रमोटर का भरोसा है। म्यूचुअल फंड 2.05% है और यहाँ पे FIs भी अच्छा खासा स्टेक रखते हैं। रिटेल का यहाँ पे नामो निशान नहीं है दोस्तों, नामो निशान है 2.32% का ही रिटेल का है। और यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड ने लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई है क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में एक बूस्ट आएगा डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे अच्छा खासा मकानों की बिक्री होगी रेंट पे। तो ये सारी चीज़ें जो है DLF करता है, रेंट पे भी देता है। और FIs का पोजीशन देख ले तो यहाँ पे FIs का देखिए लास्ट क्वार्टर में 7.39 था, इस क्वार्टर में 3.99 है, तो लगभग 70% का। तो ये अच्छे खासे जो है इनके FIs और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है और ये सारी चीज़ों पे। और ये जो टेक्निकल पैरामीटर है दोस्तों, इस पे मुझे लगता है कि DLF में आने वाले समय में भी एक तेज़ी बनी रहेगी। और ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं एक बार थोड़ा सा 5 साल के चार्ट को भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको डिस्कस करना क्यों ज़रूरी था, देखिए यहाँ पे जो था 257 का एक हाई लगा था और इसको जब इसने तोड़ा तो देखिए यहाँ से अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। और बात कर ले इसका जो है 5 साल का जो हाई था उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है 272-71 का। तो यहाँ से आप अच्छा ग्राफ पर प्राइस मिलता है, आप देख लीजिए और अपना एक रिसर्च कीजिए, कॉन्सेप्ट बनाइए ऑन टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल पे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।